तो फैमिली कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले हैं व्हाट एक्शन आर दे गोइंग टू टेक, कौन सा एक्शन लेने वाले हैं वो नेक्स्ट 48 आज में। वैसे मैं थिंकिंग और फीलिंग की रीडिंग करने वाली थी, लेकिन मुझे गाइड हुआ कि मैं एक्शन व्हाट एक्शन आर दे गोइंग टू टेक, वो कौन सा एक्शन लेने वाले, ये वाली रीडिंग करूँ। गाइज ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है और जब आप लोगों को मिलेगी है तभी आप लोग के लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। प्लस मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती थी कि लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं, कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जो है आप लोगों को बस मुझे व्हाट्सएप करना है, फ़ोन पे गूगल पे से मैं पेमेंट्स ले लेती हूँ, तो बस आप लोगों को व्हाट्सएप करना है मुझे और बुक करना है अपने लिए रीडिंग या जो भी लेना चाहते हो। तो एक और बात गाइज मैं आप लोगों से कहना चाहती थी, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि मैंने भी ये ट्विन फ्लेम ब्रिसलेट अपना पहन लिया है। क्यों पहना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। बिफोर कि मैं आप लोगों को ये रेकमेंड कर सकूँ, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को जो है बताऊँ कि इसके क्या बेनिफिट्स है और मैं खुद ही यूज़ करके देख लूँ कि जो मैं क्लेम कर रही हूँ वो बेनिफिट्स है कि नहीं है इस ब्रिसलेट में। तो गाइज मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी, जब से मैंने ये ब्रिसलेट पहना है तब से मुझे सेल्फ लव जो है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने आया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश खुश रहने लग गई हूँ। और जो है जो बाउंड्री सेट करते हैं जब किसी को ना बोलना होता है, वो भी मेरे लिए बहुत ईजीली हो जा रहा है, काफ़ी ईजी रह रहा है मेरे लिए, काफ़ी अच्छे दिन गुजर रहे हैं इस ब्रिसलेट को पहनने के बाद। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोग का काफ़ी ट्रबल टाइम रहा है इस जर्नी में, तो आप लोग ये ब्रिसलेट ले सकते हो। अभी तक तो मैंने इसको सिर्फ 4 या 5 दिन ही पहना है और इसके यही बेनिफिट्स रहे हैं कि मैं अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर दवाइयाँ टाइम से लेना या अपने स्किन और इन सब का केयर करना, ये सब जो है मैंने अब बहुत ज़्यादा मैंने एफर्ट्स लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे अपने तरफ जो है लगा है कि मैं वर्क कर रही हूँ, सेल्फ हैप्पीनेस की तरफ वर्क कर रही हूँ। काफ़ी थोड़ा बहुत मुझे ट्रिगर्स भी हुए हैं, लेकिन वो ट्रिगर्स बहुत जल्दी जो है रिलीज़ हो गए हैं। तो ये रहा इस ब्रिसलेट का बेनिफिट, ये ट्विन फ्लेम ब्रिसलेट है गाइस। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हो तो अगेन आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। तो चलिए गाइस अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा और देखेंगे कि क्या एक्शन लेने वाले हमारे पर्सन हमारी तरफ। थोड़ा सा चार्म्स भी यूज़ करेंगे आज की रीडिंग में, थोड़ा सा मिक्स कार्ड्स यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में हमारे पर्सन क्या एक्शन लेने वाले। ओके गाइस, हमें हमारे पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले, क्योंकि उनकी लाइफ में आ रहे कुछ टावर मोमेंट्स और ये डेस्टिन्ड था उनके लिए। कुछ कुछ लोगों के लिए सेपरेशन अपने कार्मिक पार्टनर से डेस्टिन्ड था और वो जो है कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है अकेले। तो वो बहुत ही ज़्यादा फियर में है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है कि ये सेपरेशन एंजाइटी है उनको कार्मिक्स के साथ। कहीं ना कहीं उनको बहुत ही ज़्यादा अपना फ्यूचर ही स्टेबल नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि उन्होंने जो है बहुत गड़बड़ कर दी, टावर मोमेंट्स आ गए हैं उनकी लाइफ में और जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस इस रीडिंग में। प्लस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा लव फील कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है चलो ठीक है कुछ ना कुछ तो है ही हमारे हाथ में। उन्होंने एक जो पेंटिकल पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरह फील करे, तो उन्होंने जो है एक कॉइन अपने लिए सेव कर रखा था और वो है डिवाइन फेमिनिन। तो वो कॉइन को मतलब अपने पास रखने का टाइम आ गया है काइंड ऑफ, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्लस ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये अपना जो है करियर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी सैड स्टेट में है, काफ़ी गुस्से में है, लेकिन ध्यान इन्होंने अपना सारा जो है करियर की तरफ लगा के रखा हुआ है। चलिए गाइस थोड़े और भी कार्ड्स लेंगे कि हमारी तरफ इनका एक्शन क्या होगा, वो अभी तक भी क्लियर नहीं है क्योंकि ये पर्सन अभी जो इनके साथ चल रहा है तो वो हमें अप्रोच करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सेव करके रखा है। तो उन्हें याद है कि एक जो है पर्सन उन्होंने अपने लाइफ के लिए सेव करके रखा है, बट स्टिल वो लोग श्योर नहीं फील कर रहे कि अब इसके साथ लाइफ कैसा होगा या क्या होगा इधर। तो वो अभी भी ये लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी ये लोग प्लेफुलनेस के मूड में नहीं है, अच्छे मतलब थोड़ा सीरियस मूड में है डिवाइन मैस्कुलिन हमारी पर्सन। ठीक है गाइज, उनका पहला एक्शन रहने वाला है हमारी तरफ इज लव योरसेल्फ फर्स्ट। ऑब्वियसली
लव योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब वो अपने आप को प्रेफरेंस देंगे, अपने आप को अटेंशन देंगे, तो ही हमारी तरफ आ पाएंगे, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक और एक्शन है हमारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना और हमारे साथ थोड़ा सा हमें जान पहचान लेना और थोड़ा सा मतलब जान पहचान बढ़ाना, थोड़ा बहुत फ्लर्ट करते हुए भी लाइट एनर्जी में दिखाई देंगे, बिकॉज कुछ भी सीरियस करने का अभी फ़िलहाल इनके पास कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं है। इनके अभी पहले बहुत सारी मेस है जो इनकी लाइफ में, उनको पहले वो क्लियर करना पड़ेगा। अगेन पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स आ रहा है, तो उनको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं वो मतलब कुछ गलत करते पकड़े ना जाए, और ये सब का डर उनको बहुत ज़्यादा रहता है। तो यस, वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, यस वो हमसे मिलना चाहते हैं। मे बी वो हम काफ़ी लोग जो है के डिवाइन मास्किलिन उनको नेक्स्ट 48 आवर्स में मिलने के लिए भी कह सकते हैं, और काफ़ी जो है उनको ये भी कह सकते हैं कि हम मतलब फ़ोन करके उनसे बात भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मतलब यू नो जनरल कैजुअल बातें कर सकते हैं आपके पर्सन आपसे। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा चार्म यूज़ करके देखेंगे कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ से नेक्स्ट जो है 48 आवर्स। काफ़ी ज़्यादा लाइक यू नो चार्म्स आए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे चार्म्स आए हैं। मुझे यहाँ पे केज और एक की दिखाई दे रहा है। ट्रैवल दोनों को करना पड़ेगा अगर दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो आप लोग, तो ये जो है एक साइडेड अफेयर नहीं रहने वाला है, बीच में कहीं आप लोग मिलोगे, क्योंकि दोनों तरफ से फ्लाइट्स दिखाई दे रहे हैं। या ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, और दो फ्लाइट्स दिख रहे हैं। मीन्स मुझे लग रहा है गाइज ये बहुत दूर से आने वाले हैं आपसे मिलने, कुछ कुछ लोगों को मतलब ड्राइव करके आने वाले हैं आप लोगों से मिलने। पता नहीं, मुझे कार का व्हील स्टीयरिंग व्हील दिखाई दे रहा है इसमें। देखिए गाइस, केज एंड की ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है, मतलब उनको जो है इस जहाँ पे वो फंसे हुए उसे मुक्ति मिलने वाली है। तो जो है ये केज और की दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने बोला ना गाइस सेपरेशन के वजह से जो है ये पर्सन आपकी तरफ आ पाएंगे। एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी गाइज, ये पर्सन काफ़ी क्वालिफाइड है आपके या जो भी फील्ड में है, काफ़ी उनका नाम है वहाँ पर। अगेन मैं ये भी कहूँगी कि ये जो ट्री है तो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते, कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक टिके, कुछ ग्राउंडेड बनाना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ एकदम लास्ट में एंकर। ये पर्सन जो है आपको अपने साथ जो है मुझे कहीं ना कहीं ये जो बोट का एंकर रहता है, जो बोट को कहीं एक जगह पे रखने के लिए यूज़ होता है, तो वो एंकर वो आपको अपने साथ रखने के लिए यूज़ करने वाले हैं, या कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आप उनके हो जाओ रोका टाइप्स, एंगेजमेंट टाइप्स कुछ भी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाम के अल्फ़ाबेट्स आए हैं आप लोग के लिए, तो ये आपके पर्सन का फर्स्ट नेम या आपका फर्स्ट नेम इसे रेजोनेट कर सकता है। आर है, के है गाइस, बी है, एक्स है, एन है, ओके, एन है, डब्ल्यू है, वाई है, तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगा तो मैं फिर से बोल देती हूँ, आर के पी एन वाई डब्ल्यू एक्स, ये अल्फ़ाबेट्स के जो है आपके पर्सन के नाम में हो सकते हैं, ये इनिशियल जो आपके नाम में हो सकते हैं। प्लस गाइज मैं आपको एक एक्स्ट्रा बोनस भी दूंगी कि ये पर्सन से कुछ मैसेजेस भी दिलाऊंगी, ताकि आप लोगों को बहुत मतलब कंफर्मेशन फील हो कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। आप वो आपकी तरफ ट्रैवल करने के आने वाले, काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आने वाले, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको मिलने के लिए बुलाने वाले हैं, हाफ वे मीटअप कर सकते हैं ये आपसे। तो ये सब जो है मुझे यहाँ पे साइंस दिखाई दे रहे हैं, और कुछ सीरियस कमिटमेंट की बातें भी होंगी। लेकिन चलिए गाइस देखते हैं कि आपके पर्सन जो है, कुछ मैसेजेस निकाल के लाती हूँ मैं आपके पर्सन से आपके लिए, देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तीन कार्ड्स निकले हैं, चार है, तो चारों मैं रीड करके आपको बता देती हूँ। ओके, आई एम मोर अफेक्टेड देन यू नो। देखिए गाइज, ये पर्सन जो है, अगर आपको लगता है आप पास्ट में जब आपसे आपके पर्सन की बात हुई और आपको लगता था कि ये पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में, तो ये कह रहे हैं कि मुझे फ़र्क पड़ता है, और इसीलिए वो आपसे दूर रह रहे थे, क्योंकि वो आपकी बातें मतलब जो है आप उनसे जो कह रहे थे वो उस पर शायद
कुछ कर नहीं पा रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, इसलिए वो आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, आपको इग्नोर, गोस्ट, ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सही बात ये है कि आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर अच्छा इंसान बना हूँ तो तुम्हारी वजह से बना हूँ, और अगर तुमको ऐसा लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे प्यार से और तुम्हारी बातों से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फील करते कि आप उनको पसंद करते हो, आप उनको लाइक करते हो। तो गाइज़ आज के लिए ये रीडिंग यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।